जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, जो देखना हो तो दीदे दिल वा करे कोई। इश्क इलाही के मकतब में जब रूह के औराक पर रुमूज़ असरार की स्याही से हकीकत मारफत के सिलसिले रकम होते हैं, तब जाकर मन की आंख से कुछ देखने की इस्तेदात पैदा होती है। बड़गाम जिले के पखरपुरा इलाके में हजरत सुल्तान अली अली बलखी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बरस हा बरस से अपने अकीदतमंदों को जामे इरफान पिलाती आई है। सुल्तान अली अली बलखी का आबाई वतन अफगानिस्तान का इलाका बल्ख है। वो 15वीं सदी के अवाइल में कश्मीर आए और यहाँ अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हुए। यूं उनकी शख्सियत सूफियत के मिजाज और ऋषियत के आहंग का ऐसा तहरीक बख्श इम्तिजाज तय पाई जिसने शऊरी और गैर शऊरी दोनों अतवार से इंसानी कदरों की आबियारी की और यह पैगाम आम कर दिया कि खालिक कायनात अपने बंदों को उनके आमाल की बुनियाद पर परखते हैं और आमाल से भी ज्यादा उनकी नीयत की बुनियाद पर जांचते हैं। पखरपुरा की इस दरगाह से लौ लगाने वाले कभी यहां से खाली हाथ नहीं लौटते। वो सुल्तान की मेहर के इस कदर मोतकिद हैं कि दिल में किसी मुराद के उभर आने से पहले ही उसकी तकमील के लिए शुक्रानी की नीयत बांधते हैं। मजमूई एतबार से देखा जाए तो कश्मीर के खमीर में मौजूद मेहर मोहब्बत अकीदत एहतराम और खुश खुलकी की यही रिवायतें इंसानियत का असासा हैं। ये वक्त के धारे को राम करने वाली ऐसी कदरें हैं जो कई कई पीढ़ियों के दरमियान खुशकुन यकसानियत पैदा करती हैं और यूं इस हकीकत की तजदीद करती हैं कि हम सब बिला लिहाज मजहब मिल्लत एक ही नूर से उपजे हैं।